पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। राज्य सरकार परिवहन शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। परिवहन विभाग ने शुल्क बढ़ाने संबंधी अधिसूचना का प्रारूप जारी करते हुए वाहन संचालकों से 21 दिनों में आपत्तियां मांगी है। इससे एक बार फिर बस मालिक और परिवहन विभाग इस विषय को लेकर आमने सामने आ गए हैं। बस ऑनर्स एसोसिएशन का कहना है कि जब इस विषय पर हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, फिर प्रारूप जारी करने और आपत्ति मांगने का कोई औचित्य नहीं है। नए प्रारूप में ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस समेत लगभग सभी कार्यों के शुल्क में भारी वृद्धि का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने दिया है। बस ऑनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव तार्किक नहीं है। उक्त वृद्धि के विरोध में ही वे लोग हाईकोर्ट गए थे और उन्हें स्टे मिला था। अब जबकि फिर से राज्य सरकार गलत रूप से परिवहन शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है, वे फिर से कानूनी सलाह ले रहे हैं ताकि इस गलत निर्णय पर विराम लग सके। इस मामले में कोर्ट जाएंगे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।